गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ। मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई अपनी भाइयों के साथ। और भाई एक बात बता दूं आपको, जब हम पिछली बार आए थे ना मतलब महाराष्ट्र की तरफ, तब मौसम बहुत गंदा था। इवन दो तब सर्दियां चल रही थी, पर अभी जब बारिश चल रही है ना तो मौसम बिल्कुल हसीन हो चुका है। रोमांटिक रोमांटिक सा है ना भाई? ओ आप क्यों ऐसी फीलिंग ले रहे हो? कोई है क्या उस तरफ और महाराष्ट्र की तरफ? पक्का? फिर ठीक है, चलो भाई अपना भी कोई नहीं है, अपन तो छोड़ के आए दिल्ली, पर यहाँ पे मजे तो ले सकते हैं मौसम के, क्योंकि जब बारिशें होती है ना तो पूरी जगह नजारे से भर के हो जाती है भाई, तो काफी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए होंगी इस टाइम। ओ क्या हो गया भैया, छोड़ के चले गए? डर गए? डर गए हो? सारे ट्रेन में सबको डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। भाई वापस लौट गए हो, क्या हो गया? चले क्यों गए थे आप? क्यों? क्या कर रहा है लोग? भाई एक दुख बहुत बड़ा है भाई, इस गाड़ी के अंदर ना पेंट्री कार ही नहीं है भाई। पेंट्री कार ना होने की वजह से नाश्ता नहीं मिल रहा है भाई। दोपहर के 12 बज चुके हैं भाई और अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया है। लगातार चलते चले जा रही, चलते चले जा रही, चलते चले जा रही है। खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा भाई, भूखा मरना पड़ा लगता है। है ना भैया, आपका हाल कैसा है? आपका हाल कैसा है? पेट का हाल? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मनमाड़ आने वाला है भाई, वहाँ खाएंगे बढ़िया सा। भुसावल आ रहा है? मनमाड़ आ रहा है? भुसावल आएगा पहले, भुसावल पर रुक जाएंगे, वहाँ मैं ट्रेन से बाहर तो जाऊँगा, बढ़िया सा खाना लूंगा फिर अंदर आऊंगा। सो यहाँ आ चुका है अपना खाना। वैसे तो अभी कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं आया है, पर भैया लेकर आ गए खाना। भैया पेंट्री कार्ड तो है नहीं, खाना कैसे लाए? साइड पेंट्री। हालांकि स्टेशन अभी नहीं आया पर साइड पेंट्री थी, मतलब थोड़ा बहुत खाना ला के रख लेते ट्रेन के अंदर ही, तो वो खाना है, खाना खा लेते हैं, मतलब नाश्ता नहीं है, सीधा खाना खा रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी थी, इंतजार ही नहीं किया जा रहा भाई, खाते फटाफट और फिर भुसावल आएगा, वहाँ कुछ उठ करके ले लेंगे बढ़िया सा। पर आपको तो पता ही ट्रेन में खाना कैसा मिलता है, काम चलाऊ, काम चलाना ही पड़ेगा भाई। हाँ भाई। हाँ जी। काम चलाओ, काम चला रहे हो? ना भाई, अपने लिए सबसे खास खाना है। ओहो जो मिला, ये फीका फीका है, नहीं बताया, मैं टेस्ट कर चुका हूँ। एक चीज तो है यार, घर में चाहे कितनी ही पतली करने की कोशिश कर लो, रोटी पतली बनती नहीं है। पर अगर आप ट्रेन में आओगे ना तो यहाँ इतनी पतली रोटी होगी, देख के हैरान हो जाओगे, पता नहीं किस चीज से मिलते हैं लोग, बिल्कुल पतली है। चलो खा लेते हैं खाना। सो फाइनली काफी समय के इंतजार के बाद हम भुसावल पहुंच चुके हैं भाई, बिल्कुल भुसावल के पास है, उत्तर प्रदेश स्टेशन से बाहर, और नज़ारे लेते हैं भाई स्टेशन के। बड़ी देर से इंतजार था, कुछ स्टेशन आ जाए तो कुछ ना कुछ खाने लेंगे, पानी बॉटल लेंगे, सामान खरीदेंगे भाई। हाय हंगरी हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। फाइनली स्टेशन पर उतरा हूँ भाई, कोई तो स्टेशन देखने नहीं मिला कल से अभी तक भाई। रात में आगरा आया था लेकिन तब बहुत रात हो रही थी, कुछ लेने का मन भी नहीं कर रहा था। ओहो पुलाओ। ओ हॉर्न बज रहा है भाई, अंदर जाके मिलूंगा नहीं तो सामान भी नहीं ले पाऊंगा। लगभग मैंने सारा ही सामान ले लिया भाई, कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, वड़े पाव भी ले लिया और भाई पकौड़े भी ले लिए। अब ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, निकल लेगा, अंदर चलते हैं। एक खुशखबरी और है जो मैं आपको ट्रेन में चल के बताऊंगा भाई, श्रीलंका से रिलेटेड। सुन लो जी, यहाँ आ चुका है अपना खाना। खाना मतलब पकौड़े वकौड़े आ गए स्टेशन पे, मतलब बोलते तो है गरम गरम मिलेगा लेकिन गरम गरम मिलता नहीं है, ठंडा ठंडा मिला है, 3 घंटे पहले बनाऊंगा कम से कम, और बोल रहे थे जस्ट अभी बनाया है। ऐसा तो होता ही है, आपको ही पता होगा,
अगर आप स्टेशन से ले रहे हो ना तो इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, भूख जोर से लगी होगी तो ये भी स्वादिष्ट लगेगा भाई। और जो खुशखबरी है वो ये है भाई, श्रीलंका का लग चुका है अपना वीज़ा और सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है भाई। अपनी टिकट तो कल हो ही गई थी, अब बस एक ही चीज़ रह गई, वो है रिटर्न की टिकट, वो भी हो ही जाएगी, टेंशन नहीं है भाई। मैं इधर हूँ पर हेलो केला, इतना केला कौन खाता भाई? एक खा। ओए होए, अच्छा एक मेरा है। अच्छा खुद के लिए पकोड़े लेके आया? हाँ। थैंक यू, मैं भी खा सकता हूँ थोड़े। हाँ हाँ थोड़े थोड़े। ओ उधर बड़ा पाव भी है महाराष्ट्र स्टाइल, ऊपर तुम्हारी चेयर पे। थैंक यू। हाँ खुशखबरी है भाई, श्रीलंका का लग चुका है अपना वीजा, और वीजा के साथ साथ एक फायदा और है भाई, हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए देख ली है, और खर्चा भी कुछ नहीं है। वहाँ पे भी रेलवे की पटरी चलती है, जैसे हमारी इंडियन रेलवे है वहाँ श्रीलंकन रेलवे है, तो उस पर आराम से हम घूम सकते हैं बिना किसी टेंशन के भाई, है ना बढ़िया चीज। बहुत मजा आने वाला है भाई इस ट्रिप पे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले पकौड़े खा लेता हूँ, नहीं तो पहले ये बच्चे ही ना। मेरे घर के आगे सही ना, तेरा मन धीर बन जाए, नजदीक कराएंगे बाबा आना जाना होगा, हम भगत होगा बाबा मिलना जुलना होगा भाई। लो भाई हम पहुंच चुके हैं जलगांव। बड़ा खाली खाली सा स्टेशन। हाँ हाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी 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 हवा चल रही है, मस्त क्या बात है। अरे भाई साहब यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमाचल वाले एरिया में घूम रहा हूँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है मानसून की वजह से यहाँ पे। हाँ हाँ काफी अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ पे चारों तरफ बादल बादल हुए हुए हैं भाई, है ना भैया सही कह रहा हूँ मैं? मतलब आप अभी इसके बाद वाले स्टेशन में उतरोगे ना, कौन सा स्टेशन आ रहा है इसके बाद? मनमाड़। ओहो, और उसके बाद अपना स्टेशन आ जाएगा भाई, क्या नाम है, छत्रपति संभाजी नगर। नहीं 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 बड़ी बेइज्जती है भाई जलगांव की, दो मिनट के भी रुकी यहाँ पे ट्रेन। हे भगवान, छोटा स्टेशन है इसलिए शायद। क्या हुआ? भुसावल में ज्यादा देर के रुकी थी। नहीं वो रुकी नहीं थी भाई, वो हाँ। वो क्रॉसिंग थी, इसे क्रॉस करना मतलब वो किसी और ट्रेन को भेजा था, मतलब इसे साइड देनी पड़ता इंडिकेटर के बाद। अच्छा अच्छा, ये साइड देना पड़ा इंडिकेटर चला के, तो फिर ये साइड में कहाँ गई थी? खड़ी थी ऐसे ही। अच्छा अच्छा, वो ट्रेन देखा ऐसे चले जा रही है, चल रही है। अरे सिर्फ सामान भी डाला नहीं, डाला खाली है बिल्कुल, चल रही है ऐसे, चल रही है, चल रही है, चल रही है भाई। ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, वो दोनों चल रही है, मतलब वो और हम। आज हम कहाँ रुकेंगे? आज हम मासी क्या तो प्रभा तेरी मासियाँ नहीं खत्म हो रही, पाँच है बस कर प्रभा। मौसम बड़ा सही आ रहा है इसमें, रिकॉर्ड है ना। जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, जा तो मैं साउथ की तरह हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे ये ट्रेन जा रही हो लाहौर की तरफ, जैसे हम सकीना बेगम को लेने जा रहे हो। सकीना बेगम, और मैं गदर मूवी का हीरो हूँ, है ना, देखो ऐसी फीलिंग आ रही है। ये ट्रेन काम किस में आती होगी? आर्मी के टैंकर जाते हैं वो। अच्छा, तो आर्मी का यहाँ पे क्या काम है? पर आर्मी अपने व्हीकल आगे लेके जाती है। पर ये साउथ की तरफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। बन के साउथ ही आती है ना गाड़ियाँ, जब जयपुर टाटा से। ओ हाँ गाड़ियाँ बन के आती है वहाँ से, राइट राइट। ट्रेन रुक गई, थोड़ा सा बाहर की हवा ले लेते उतर के। ओहो, ये खुले मैदान की हवा की तो बात अलग ही होती है। पता चले उतरे और ट्रेन चल पड़े, ऐसा मत करना भाई, थोड़ी बहुत तो सांस ले ही लूं। ओहो वैसे एक बात बताऊं, ये ट्रेन ना मतलब स्टेशनों पर ही रुकती है, जंगलों के बीच में रुकती है जाके। हाँ अब उतर रहे केले के बाग, यहाँ भुसावल और इस तरफ ना केले बहुत लगते है भाई, मनमाड़ की तरफ। हाँ यहाँ बहुत केले उगते हैं भाई, यहाँ बहुत ज्यादा केले उगते हैं, यहाँ इतने साइज से लेके इतना बड़ा केला भी उगता है। अच्छा, हाथी भी घूमते होंगे यहाँ पे? हाँ हाथी, हाथी का तो नहीं पता खैर। ओए सो भाई, काफी सारी फैमिली कह रही थी यूट्यूब वाली कि आप महाराष्ट्र आ जाओ, महाराष्ट्र आ जाओ। फाइनली प्लान बन ही गया महाराष्ट्र आने का भाई,
और प्लान तो ऐसा बना है कि हम सबसे बेस्ट मौसम में आ रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तब यहाँ पर मतलब मौसम थोड़ा ख़राब था क्योंकि भाई की शादी थी इसलिए आना पड़ा, नहीं तो वैसे हम हमेशा मानसून में प्रेफर करते हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था ना तब भी मानसून में आया करता था, काफ़ी मज़ा आता है दिवाली के आसपास यहाँ पर भाई। फिर काम खराब हो जाएगा हाँ, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है ना तो यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है, फिर इंसान घर में ही बंद हो जाता है। और गोवा में ना इस टाइम पे लगातार बारिश हो रही है, मेरे कुछ दोस्त गए थे वहाँ पे, वो बता रहे थे वहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही है। गोवा और बॉम्बे में थोड़ा हाल खराब रहता है, बारिश होती रहती है। हाँ होती रहती है कंटिन्यूसली। यहाँ आपको ऐसे ऐसे मिलेगा बिल्कुल प्लेन और बीच में एक पहाड़। यहाँ भी पहाड़ है भाई। हाँ यहाँ पहाड़ है ना, इसे यहाँ शायद विदर्भ विदर्भ कहते ना, दखन 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 रेंज है। अगर गोवा गए ना यहाँ से तो सबसे ज्यादा नजारे मिलेंगे आपको इस टाइम पे वहाँ पर, तो गोवा भी दिखा पाएंगे आपको ढंग से। लेकिन टाइम थोड़ा कम है, भाई को घर जाना है, भाई की नहीं शादी नहीं, भाई की रखड़ी है, रखड़ी ये इतना मत सोचो, अभी भाई को टाइम है। अभी ना मासी का फोन आया था, जब मनमाड़ पहुंच जाए तो फोन कर दियो। मेरी मासी है ना वो भी संभाजी नगर ही रहती है, जब हम पिछली बार आए थे तो आपने देखा होगा उन्हें, सेम टू सेम मम्मी जैसी दिखती है। नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो अभी मनमाड़ आने वाला है और ये सारे भाई मनमाड़ में उतर जाएंगे, पर हम नहीं उतरेंगे, हम संभाजी नगर जाने वाले हैं। और मैं फोन भी नहीं करने वाला उन्हें, उनकी एज ज्यादा है ना, वो बेफालतू परेशान होंगी। हम खुद से खाते वीडियो बनाते हुए ऑटो में चले जाएंगे आराम से, बाहर ऑटो मिल जाते हैं और वैसे भी स्टेशन से बिल्कुल पास ही उनका घर है। घर का एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, जितने लोग हैं ना सब आ जाना, मतलब संभाजी नगर वाले है ना भाई। कैमरे के सामने मना मत करना, फिर मिलने आएंगे सब। वैसे हम खुद भी चाहते हैं सबसे मिलना, जो चाहे वो आ सकता है क्योंकि वहाँ हम एक दो दिन रहने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो भाई ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं सारे मनमाड़ के नज़ारे हैं, देख रहे हो ना पूरा पहाड़ी वाला इलाका। इस पहाड़ों को क्या बोलते हैं, इन पहाड़ों को क्या बोलते हैं, विदर्भ के पहाड़ है ना ये, दखन दखन के पहाड़ है ना। ओहो बहुत ब्यूटीफुल है भाई, पूरे नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार थोड़ी थोड़ी, अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी है ना भैया, हो रही थी ना। हाँ बारिश। आप थोड़ा की आगे मत जाना, पता चले मैं आपको ढूंढ रहा हूँ फिर। यहाँ पर ना एक थम्सअप वाला पहाड़ भी आने वाला है, उस पहाड़ के ऊपर थम बना हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे थम्सअप का सिंबल बना हुआ ऊपर। और मनमाड़ में ना बहुत बड़ी थम्सअप की फैक्ट्री भी है भाई, है ना, यहाँ पे थम्सअप वाला पहाड़ है ना एक। ओह कितना ब्यूटीफुल मंदिर है देखो, वहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बारिश होने वजह से ना मतलब खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है मिट्टी की। भाई इस प्राणी को ट्रेन के अंदर बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, बार बार जब भी ट्रेन रुकेगी सीधा बाहर उतरता है, क्या चक्कर है भाई, अंदर आओ। मैं तंग मत कर, मैं ट्रेन के नीचे घुस जाऊंगा, ट्रेन के नीचे उधर निकल जाऊंगा, उस साइड उस साइड निकल जाओगे। ओहो वहाँ खेत भी अच्छे अच्छे हैं। यही छोड़ के चले जाऊंगा मैं खेती के बीच में, बैग वैग सब मेरे पास है। ओहो वैसे देखना कितनी ज्यादा हरियाली है यहाँ पे, है ना, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है नॉर्थ ईस्ट वाली।
ओहो काका बैठे वहां पे काका। महाराष्ट्र में बुड्ढे लोगों को काका बोलते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं हमसे बड़े उम्र में उन्हें काका बोलते हैं। काका क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, आगे जाएं। ओहो नाराज लग रहे हैं। अरे मुझे अभी अभी पता लगा काका तो मैंने मराठी वर्ड यूज कर लिया, बाकी हाल तो मैंने पंजाबी में पूछा, तभी उन्हें समझ में नहीं आया, तभी वो कहता आगे जाओ आगे। अब समझ में आई दिक्कत? हाँ, या तो पूरी मराठी या तो पूरी पंजाबी, बीच वाला काम बेकार है। तो अभी अभी भैया ने बताया ट्रेन आने वाली है, और ये महाशेर फिर उधर गया दूसरे साइड आके। जल्दी ऊपर आ जाओ मैं कह रहा हूँ, देखो फिर कुछ हो जाएगा। अभी तो आपने कुछ देखा भी नहीं है, आपने बोला है भाभी को देखा शादी। ओए भाभी मांस मान होती है। तो देखो सब भग गए अंदर, सब भग रहे अंदर। देखो ये क्यों भग रहे हैं, ट्रेन तो आई नहीं, ट्रेन नहीं है वो यही पास हो रही है सीधा, ये जा रही है ना, ये निकल जाएगी। हाँ सही है, ओहो ग्रीन कर दिया। भाई बड़े बेशरम लोग हैं। चलो चलो जल्दी चढ़ो, अल्लाह चढ़ जाओ चढ़ जाओ, रह जाएगी ट्रेन फिर। ट्रेन नहीं आदमी रह जाएगा, सॉरी सॉरी, ट्रेन नहीं आदमी रह जाएगा, आदमी लाइनें भूल गया मैं। ओहो ये बंदा पता नहीं कितनी बार रिहर्सल करेगा अपनी। लगभग 200-300 टेक ले चुका है ये। उठा उठा ये क्या हो गया, चलो भाई चलो, मनमाड़ आ गया, लेट मत करो, तुम्हारे स्टेशन ले जाएगा फिर तुम मेरे साथ संभाजी नगर पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी। मनमाड़ में लगभग सारी ट्रेन खाली हो जाएगी भाई, सब लोग उतर जाएंगे। इस जोन में सबसे बड़ा भाई रेलवे स्टेशन है ये भाई, और अपने भाई सारे उतर चुके हैं। मैं जब भी मनमाड़ आऊंगा जरूर आपसे मिलूंगा, पक्का। आप मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। ओके बाय बाय, मिस यू ऑल। मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये है भाई, यहाँ पे ना ट्रेन पता है उसका जो इंजन होता है वो चेंज हो जाता था पहले, मतलब अभी नहीं, जब मैं पहले आया करता था यहाँ से आगे डीजल का इंजन जाता था, बस यहीं तक इलेक्ट्रिसिटी की लाइन थी, फिर यहाँ पे नया इंजन लगता था, लगभग आधा घंटा रुकती थी मनमाड़ में गाड़ी और फिर जाती थी आगे नांदेड़ और पहले तो औरंगाबाद था, अब संभाजी नगर हो गया औरंगाबाद तक के लिए मतलब। तो भाई मैं काफी इंतजार करता था यहाँ पे खड़े होके, बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने के लिए अच्छी अच्छी, पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हम एंड वाले साइड में आ गए ना, इसलिए अपना S1 है ना बिल्कुल एंड में आता है। चलो कोई बात नहीं, शाम के 6 बज गए तो चाय पी लेते हैं, चाय दे दो। ओहो चाय थोड़ी ठीक है। सो भाई ट्रेन हो चुकी है पूरी खाली, हम अकेले लेटे हुए, आराम से भाई आराम से पहुंच जाएंगे भाई संभाजी नगर और फिर आराम से उतरेंगे फिर जाएंगे घर। लेट हो चुके, 2 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, जितनी तारीफ करी उतना ही लेट हो गई भाई, कोई बात नहीं, वैसे बाकी ट्रेनों से तभी ये जल्दी पहुंच रही है लेट होने के बाद भी, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, स्टेशन कम है ना तो ईजिली जल्दी कवर कर लेती है। सो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नींद पूरी नहीं हुई थी रात में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं संभाजी नगर, रात के बज रहे हैं 9, काफी लेट हो चुका है भाई, वैसे हमें पहुंचना था 7 बजे के आसपास, 2 घंटा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन भी थोड़ा हल्का हल्का रह गया। चलते हैं यहाँ से बाहर से निकल के रिक्शा लेके सीधा घर के तरफ। ओहो थके हो क्या? हाँ बोल रहे हैं, हाँ ऐसा है जैसे मैं कठपुतली नचा रहा हूँ, है ना। चल चलो लेके चलते हैं भाई को मासी घर पे, खातिरदारी करेंगे भाई की। मेरी कितनी मासियां हैं, हर जगह मासियां हैं भाई इसकी। भाई मेरी 5 मासियां हैं। बाप रे। लो भाई गलत जगह पहुंच गए हैं, मुझे लगा संभाजी नगर पहुंच गए हैं पर संभाजी नगर नहीं पहुंचे हैं अभी, उससे पहले ही कोई आउटर वाले स्टेशन पर रुक गई है। अरे भाई ये मेरे सबर का बांध तोड़ते जा रही है, रात के 9 बज गए हैं और कितना स्लो जाएगी ये। वैसे ट्रेन सुपर फास्ट थी लेकिन जब से तारीफ करी है तब से दिक्कत आने लग गई है भाई। क्या दिक्कत है भाई, तुमने भी तारीफ करी है क्या? मालिक ट्रेन आगे बढ़ाई है ना तनिक तनिक। हाँ। नेक जरा रुको, हम अभी जाके इंजन में तेल डाल के आता है, तेल खत्म हो गया लगता है, टॉयलेट में डालना। एक चीज और मुझे फील हुई जब मैं इस ट्रेन में आया था, बाथरूम नीट एंड क्लीन थे, और जब मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ ना ऐसा हो रखा हाल बिल्कुल ही थर्ड क्लास,
दिखाऊंगा तो आपका भी हाल खराब हो जाएगा घर बैठे हुए। पता नहीं शायद आप नाश्ता कर रहे हो या खाना खा रहे हो तो और बुरा लगेगा, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब पानी की बोतलें क्यों फेंकने की जरूरत थी भाई बाथरूम में, पॉट में, खाली पानी की बोतलें? नो, इस पे कमेंट नहीं, मैं कमेंट नहीं करूंगा। जबकि भारी था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, प्रेशर होगा इसी बाथरूम के अंदर पानी बोतल। ओ पॉइंट टू बी नोटेड, पानी बाहर से ले गए होंगे, मिनरल वाटर धोते हैं। लगभग पूरे 24 घंटे जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं भाई संभाजी नगर। काफ़ी खुशी मिल रही है भाई, इतना ज़्यादा तो मैं आज तक कभी भी किसी ट्रैवल में नहीं चला, मतलब ट्रेन के अंदर, बाकी जगह पे तो चला हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारा मन नहीं कर रहा क्या चलने का? जंगल की तरफ उतर गए, ये क्या तरीका भाई, जंगल की तरफ मत उतरो भाई, जंगल पानी गए। हाँ मैं भी जंगल पानी गया हूँ तो ट्रेन, हाँ बाथरूम गंदा भी तो था। चलो भाई मिल गया ऑटो भी, 100 रुपये का पड़ा बस, यहाँ से उस्मानपुरा तक जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। ओहो तुम उस्मानपुरा रहने वाले हो? उस्मानपुरा। अब मैं कंफ्यूज हूँ यार, यहाँ पे नाम लिखा हुआ गलत, औरंगाबाद लिखा हुआ, इनको बताओ संभाजी नगर हो चुका नाम, इन्हें भी नहीं पता है। तुम्हें पता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी भूल गए थे, मैंने ही बताया नाम। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी यार, यहाँ पे नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, शहर बिल्कुल साफ है, स्टेशन बिल्कुल साफ है भाई, बिल्कुल गंदगी नहीं करते यहाँ पे लोग, सच्ची भाई। मैं पहले भी आ रहा था, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं यहाँ पे लोग। मुझे तो दिल्ली साफ लगी है। दिल्ली अब क्लीन हो चुकी है पहले से, स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। आई लव दिल्ली, आई लव यू टू, यूट्यूब ना दिल्ली की तरफ से मैंने बोला। आई लव इसरो, मैं दिल्ली वाला हूँ ना, आप दिल्ली, आप आ रहा। आई लव इसरो, इसरो आई लव यू टू, इसरो मेरे इंडिया का है। आई लव सोनिया गांधी, पढ़ाई यूट्यूब। सो यहाँ मेरी जिगर की टुकड़ी बेला। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार आया था संभाजी नगर तो इसके साथ बहुत खेला था मैं। आहा बहुत प्यारी है, इसकी एक मतलब स्पेशल खासियत है, जो भी ओरिजिनल साइबेरियन हस्की होगी ना उसकी दोनों आंखें अलग होंगी। देखो ये ब्राउन है और ये ब्लू है। ये किसने बोला तेरे को? हाँ ओरिजिनल वालों के साथ ये होता है। वाओ मैं कमेंट रीड करूंगा, सच है कमेंट कर देना, आप बता देना, जिनको भी नॉलेज ना वो बता देना, बाकी बेला तो बता ही देगी मैं ओरिजिनल हूँ। मुझे भी साइबेरियन हस्की चाहिए। बेला आपके बच्चे हों तो एक मुझे एक इसको, इधर तो देखो बेला, वही इंटरेस्टेड ही नहीं हो देने में। हाँ फीमेल है बेला। सो यहाँ आ चुका अपना लजीज खाना, दोनों मासियों ने बनाया बढ़िया तरीके से, और भाई ये रही दाल और ये रही सब्जी, ये मशरूम की सब्जी है बड़ी टेस्टी, और मासी नहीं थी भाभी थी, मैंने गलती कर दी। आपको याद तो होगा मैं यहाँ शादी में आया था भाभी के मतलब भाई के अपने, बहुत मस्त वाली शादी थी, बढ़िया बढ़िया खाना खाया था वहाँ पे, बीवो भाई भी आए थे नॉर्थ ईस्ट से, वही वाली शादी। खाना वाना खाते लेट नहीं करते, पेट में चूहे कूद रहे बहुत तेज, क्योंकि मैंने जो खाना खाया ना वो ट्रेन वाला खाया, उससे पेट नहीं भरता है और मन तो अधूरा रह जाता है। चलो भाई भगवान का नाम लो। ये कौन से भगवान है? सो दोस्तों खाना वाना खा के लौट के आ चुका हूँ भाई, पेट पूजा ढंग से हो गई थी, इवन वॉकिंग भी करने गया था, एक घंटा लगभग वॉकिंग करके वापस आया हूँ। अभी सांस वास भी हल्की हो गई है, और पता है वॉकिंग करने के बाद सबसे पहले प्रेशर लग गया, बाथरूम जाना पड़ा, क्या क्या बता रहा हूँ मैं। तो वापस आ चुका रूम में, अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया जो मुझे कल गिफ्ट मिला, मनीत ने दिया था वो वाला गिफ्ट नहीं बताया, तो वो गिफ्ट दिखा देता हूँ। और इवन उसने मुझे चॉकलेट्स दी थी, पर मैंने चॉकलेट्स दी नहीं, उसे वापस दी थी, पता है क्यों? चॉकलेट सारी पिघल जाती और मेल्टिंग वाली चॉकलेट्स थी, तो इसलिए मैंने वापस दे दी। कोई बात नहीं, वो खाए मैं खाऊं, बात तो एक ही है। और अब आपको दिखाता हूं मैं टी शर्ट जो उसने मुझे दी है, बड़ी स्पेशल टी शर्ट है, दिखाता हूं। सो ये है वो टी शर्ट जो उसने मुझे दी है, वाइट टी शर्ट के ऊपर ना उसने बहुत सारी पपिया देके टी शर्ट दी है, और इसकी मेकिंग भी दिखा दूंगा मैं आपको, मेकिंग भी उसने बना के भेजी है मुझे, मतलब वीडियो बना के भेजा है मेकिंग का, और काफ़ी स्वीट है ना गिफ्ट, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। वैसे जब उसने मुझे दी थी ना, मुझे तभी पता था मेरे साइज से थोड़ी छोटी है, पर मुझे ये पसंद आई थी इसलिए मैंने उसे वापस नहीं दी, वो कह रही थी मुझे दे दो मैं दूसरी बना के दूंगी, मैंने नहीं मुझे ये भी चाहिए और जो दूसरी बनाएगी वो भी चाहिए, तो दोनों मेरे पास रहेंगी,
और उसे मैं पहन पाऊंगा, इसे मैं पहन नहीं पाऊंगा, लेकिन हमेशा संभाल के रखूंगा। सो थैंक यू सो मच, वो भी देख रही होगी और इवन उसकी मम्मी भी देख रही होगी। सो थैंक यू। चलो भाई सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल हम एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट आके रिसर्च कर चुके हैं लेकिन आज तक कुछ पता नहीं कर पाए। वो एक सिंगल चट्टान है और उस चट्टान को काट के मंदिर बना है। वो एक कैलाश मंदिर है और जो उस मंदिर को बनाने में कला लगी है ना, वो कुछ डिफरेंट ही है। आज तक जितने भी मंदिर बने हैं या जितनी भी बिल्डिंग बनती है, आपको तो पता ही है जमीन से ऊपर की तरफ बनती है, लेकिन वो मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बना है, तो वो आपको कल दिखाया जाएगा। बाय बाय। हमने सामान इकट्ठा कर लिया है, सो अब हम बनाते हैं DIY टी शर्ट।